It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. सो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और आज फिर से हम लोग जा रहे हैं शादी में. और आज ही हमारे यहाँ शादी खत्म हुई है, मतलब दुल्हन की विदा हुई थी एंड आज फिर हम लोग फिर से शादी में जा रहे हैं. तो आज हम जो जा रहे हैं शादी में, वो मेरी मौसिया सास है ना, मौसी सास, उनकी बेटी की शादी है. तो उनकी बेटी की शादी में जा रहा है. सो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थोड़ी बहुत, और इयररिंग्स मेरे को डालने हैं तो वो गोल्ड के डालूंगी, इसलिए खाली खाली दिख रहे हैं क्योंकि मैं रेडी हुई. थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और आज हम चाची को छोड़ के जा रहे हैं. चाची यार बुंदा दिख रहा है. चाची लगी हुई है काम में क्योंकि भाई शादी वाला घर रहता है ना, तो बहुत सारा फैल जाता है सामान. सो चाची अपने काम में लगी हुई है एंड बहुत थक भी गई हैं और नींद भी पूरी नहीं हुई है. चाची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. चलिए चलते हैं, शादी अटेंड करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोगों को फिर नेक्स्ट डे भी कहीं निकलना है. ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे एंड वहाँ भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे. वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं यार डाल लेती हूँ एंड फिर निकलते हैं यहाँ से. नहीं, वो मैं देख रही थी उसमें कलर कितना लगा हुआ है जो होली के लिए. नहीं, हमारे काले काले चमक रहे भाई, हम लोग सब होली का सर है ना. काली तो रही थी, ले लाओ ले लाओ. समय की, समय के आगे कोई किसी की नहीं चलती. बस इतनी हम जानते, चाहे हम हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हुए, चाहे आने वाली पीढ़ी है. जब समय जब खराब होता है तो बीमारी भी गिरती है और समय चाल चक्कर को कोई नहीं रोक पाता. ये एक निश्चित रिजल्ट है. इसमें रोने गाने से कुछ नहीं, रोने गाने से दुख बढ़ता है, अपने शरीर की खराब होती है. सो गाइस, ये हैं पापा जी की मौसी जी और पापा जी से गले लग के वो बहुत जम के रोने लग गई क्योंकि ना उनको बहुत याद आ रही थी दादी की. और दादी के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी ना, वो आती भी थी ना तो बहुत टाइम तक रुक के जाती थी, उनको काफ़ी अच्छा लगता था. इस बार दादी नहीं थी ना तो उन्होंने बहुत मिस किया और हम सब लोग भी जा रहे थे ना तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा था. और यहाँ पर बुआ जी और सब लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे क्योंकि जब घर से जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है. सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मौसी जी के यहाँ और हम लोग घर पे आए हुए हैं. यहाँ पे दीदी है ना, वहाँ एक दीदी है ना, उनके घर पे आए हुए हैं. अभी हम लोग अभी नहीं, बाद में ले जाएंगे. सो अभी हम मैरिज हॉल में चलते हैं जहाँ पे शादी है एंड बाकी सारे लोगों से मिलेंगे. सो मामी और आई हुई होंगी, मामी और रहेंगी, मामा जी और रहेंगी, बहुत सारे लोग होंगे, सारे लोगों से मिलेंगे. चलिए यहाँ से निकलते हैं. कोई नहीं, इस रूम में सारे लोग वहीं जा चुके हैं, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं वहाँ से, घर से निकले ना, इसलिए चलिए वहाँ जाते हैं, मिलते हैं सबसे एंड दुल्हन से भी मिलेंगे. और दुल्हन को आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है. सो शादी है शिवानी की, हम लोग शिवानी की शादी में आए हुए हैं. बाहर चले रॉबिन, बाहर चले, खाना खाने चले. डांस करोगे आप डीजे पे? रॉबिन डांस करोगे आप? रॉबिन, रॉबिन. बताए, मैं
मैंने शॉपिंग की थी बड़ी शौक से कि मैं ना आज शादी में जाऊंगी ना सैंडल्स पहनूंगी, और उन्होंने मेरे को दो जोड़ी दिला के दिलाई थी। और पता है मैं क्या किया, एक इसका पेयर ले आई, एक इसका पेयर ले आई, और दोनों को पता है एक ही पेयर के लेके आ गई हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ भी ना कि अगर फैशन बना के जाऊँ तो भी नहीं बना सकती, क्योंकि मैं दोनों एक ही पैर के दोनों पेयर लेके आ गई हूँ। बट कोई नहीं, अब मेरे को वही स्लीपर पहन के जानी पड़ेगी शादी में अभी। चले चलते हैं। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Hello! ये देखो हमारी दुल्हन साहिबा, अच्छी लगी देख के वापस आके सो गए थे। और अभी बज रहा है 2:30 बज रहा है, हम लोग निकलना है। अब हम सोच रहे हैं मौसी जी से एक बार मिल के आ जाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन है कितने बजे, 4 बजे 3 बजे, 4 बजे ट्रेन है। यहाँ से निकलना है हम लोगों को, और हम जा रहे हैं इटारसी। चलिए फटाफट से मौसी जी से मिल के आ रहे हैं, अंदर देखते हैं मैरिज हॉल में क्या क्या रस्में हो रही। मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकली, मेरा गला बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ गया है, बोल भी नहीं पा रही हूँ। चलिए, और नींद इतनी तेज आ रही है, इतनी तेज आ रही है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट कोई नहीं, अब घर चलते हैं, वहाँ पे सोएंगे अच्छे से। चलो चलो, मैं ले लेती हूँ। सोचा तो था हमने कि पूरी शादी अटेंड करेंगे, बट हम लोगों को घर जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए बस पूरी शादी अटेंड नहीं कर पाए। और फिर यहाँ पे हम लोग मौसी जी से मिले, मौसी जी को चिकट वगैरह दी, एंड मौसी जी ने भी हमें रिटर्न में कटोरी एंड बतासे दिए। और बस इन सबको लेके पैर वैर छू के मौसी जी के, हमने सोचा था दुल्हन से भी मिलेंगे जाते जाते, बट मंडप के नीचे कुछ रस्में चल रही थी तो उसकी वजह से उनसे नहीं मिल पाए। एंड बस फिर मौसी जी को बाय बोल के हम लोग निकल आए हैं, और आगे आगे मामी जी जा रही हैं और मामा जी हमको स्टेशन जाएंगे छोड़ने के लिए। सो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।